विदेश घूमने का मन है दोस्तों, लेकिन पॉकेट इजाजत नहीं देता, तो अब जरूर देगा। दोस्तों हमने आपके लिए ऐसे 5 देशों की लिस्ट बनाई है जहां आप बजट में घूमकर लौट सकते हैं। ये वो देश हैं जहां भारत के 1 रुपए की वैल्यू 338 रुपए है, तो कहीं 100 रुपए की वैल्यू 5,935 रुपए है। इस लिस्ट में सबसे पहला देश का नाम है वियतनाम। समुद्र से घिरा यह छोटा देश साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। घूमने फिरने के लिहाज से यहाँ बीच, लेक और जंगल सफारी तीनों ही चीज़ें उपलब्ध हैं। और दोस्तों यहाँ देखने वाली जगह हनोई, हो ची मिन्ह, सापा, हालोंगबे, नाहतरांग, मेकोंग डेल्टा, वॉर मेमोरियल, ये सब है। दोस्तों यहाँ 1 रुपए के बदले आपको 338 वियतनामी डोंग मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ प्रतिदिन रहने का खर्च कम से कम 1,000 रुपए प्रति रात के खर्च पर टूरिस्ट हॉल में स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ खाने का खर्च दिन में 3 बार खाने का पूरा खर्च करीब 800 रुपए है। दोस्तों वियतनाम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है, जो दिल्ली टू वियतनाम का कम से कम किराया अभी 8,205 रुपए है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर के देश का नाम है भूटान, जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल और घूमने के लिहाज से सबसे सस्ता देश है। दोस्तों भारतीयों को तो यहाँ आने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों यहाँ देखने लायक जगह थिम्पू, टाइगर नेस्ट मोनास्ट्री, पुनाखा जोंग, दोचूला पास, ये सब है दोस्तों। और अगर बात करें यहाँ की करेंसी की, तो दोस्तों भूटान की करेंसी है भूटानीस। इसकी 1 रुपए की वैल्यू लगभग 1.5 रुपए है दोस्तों। अगर किसी बढ़िया होटल में प्रति रात रहने का खर्च यहाँ दोस्तों लगभग 200 पड़ सकता है। वहीं अगर आप किसी स्थानीय के यहाँ होम स्टे लेते हैं तो यहाँ वही खर्च 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आएगी। और दोस्तों एक टाइम के खाने का खर्च लगभग 100 से 400 रुपए आ सकता है। और यहाँ पहुँचने के लिए पारो भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा है। यहाँ पहुँचने के लिए आप कोलकाता से पारो तक सीधी उड़ानें ले सकते हैं। भूटान पहुँचने के लिए कोलकाता से उड़ानों की सबसे अधिक मात्रा मौजूद है। अब बारी आती है दोस्तों तीसरे नंबर के देश का, जिसका नाम है श्रीलंका। यह भारतीय महासागर से घिरा यह आइलैंड भारत से केवल 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। दोस्तों भारत से हर साल करीब 2 लाख पर्यटक श्रीलंका पहुंचते हैं। यह देखने वाली जगह दोस्तों कोलंबो, कैंडी, मटारा, कतरगामा, किरिंडा, दम्बाडेनिया, रामायण कनेक्शन आदि है। दोस्तों यहाँ पहुंचने के लिए आपको कोच्चि से कोलंबो तक की डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है, साथ ही एक साप्ताहिक ट्रेन भी चेन्नई से लंका जाती है दोस्तों। और यहाँ अगर करेंसी की बात करें तो वर्तमान में भारतीय 100 रुपए की श्रीलंकन वैल्यू लगभग 256.56 रुपए है। दोस्तों यहाँ रहने का प्रतिदिन खर्च दोस्तों 700 से 1,000 रुपए प्रति रात हो सकता है। और यहाँ खाने का खर्च दोस्तों लगभग 300 से 1,000 रुपए प्रतिदिन हो सकता है। चौथे नंबर के देश का नाम है दोस्तों इंडोनेशिया। बाली इंडोनेशिया का सबसे खूबसूरत शहर है दोस्तों। यह देश अपनी पवित्र सुंदरता के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ घूमने वाले लायक जगह यहाँ टोबा, जकार्ता, वाकाटोबी, मलंग, लोमबोक आदि जगह मौजूद है। दोस्तों अगर बात करें इस देश की करेंसी की, तो भारतीय 100 रुपए के बराबर इंडोनेशियन करेंसी वैल्यू लगभग 202 रुपए होता है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों प्रतिदिन रहने का खर्च 1,000 रुपए प्रति रात से लेकर 2,000 रुपए प्रति रात का खर्च आ सकता है। यहाँ दोस्तों खाने का खर्च लगभग करीब 700 रुपए प्रतिदिन आ सकता है। दोस्तों दिल्ली से बाली की हवाई दूरी लगभग 6,800 किलोमीटर है। यहाँ से फ्लाइट लेने पर आप करीब 8.25 घंटे में बाली पहुँच सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों इस लिस्ट के सबसे लास्ट देश के बारे में, जिसका नाम है कंबोडिया। दोस्तों यह वियतनाम के पास ही बसा हुआ देश है, जो किसी जमाने में वह हिंदू और बौद्ध साम्राज्य का शक्तिशाली देश था। यहाँ देखने लायक दोस्तों इंडोनेशिया के अंगरकोर वाट में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है, कोहकेर, बायोन मंदिर आदि। दोस्तों अगर बात करें इस देश की करेंसी के बारे में, तो भारतीय मूल के 11 रुपये के बराबर इस देश में दोस्तों 5,935 रुपये कंबोडियन रियल होता है। और दोस्तों यहाँ प्रतिदिन रहने का खर्च लगभग 1,000 रुपये प्रति रात की दर पर आप गेस्ट हाउस ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक टाइम के खाने का खर्च लगभग 300 रुपये है। और यहाँ दोस्तों पहुँचने के लिए
हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली से कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुंचने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों अब सोचिए मत, अपने पैसे रखिए और निकल जाइए। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट एवं जानकारी जानने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि हम जब कभी भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।